खेती बारी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात। आज सिरचन को मुफ्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई भी। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में एक कारीगरी रह गई है सारे इलाके में, एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चेक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात उठाता ही नहीं है कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाई? इसीलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, घी की डाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघकर आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस बार शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहां मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जाँता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन साहब की तरह फुक्कार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है कामचोर नहीं है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो वध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर की मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी, ठहरो मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू की दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं,
तीन जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की दो शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो, भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसीलिए एक सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वो चिक बुनने बैठा। डेढ़ हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में सात तारे जगमगा उठे, सातों रंग के, सत भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होठ पर। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवरा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या देखूं? अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवरा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की बोहें तन गई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस, मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा ही होता है, मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो। मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बात कुट्टी करने की क्या जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, पांच तरह के लोग पांच किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमका हुआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से, गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, यत परो नास्ति। बस, सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया, अपने छुरी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता, 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुंह जोसे के मुंह में लगाम है ना आंख में शील, पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी, बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मरी फिरती हैं।
मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वो उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेटकर वो कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? ये शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छू कर कहता हूं अब ये काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वो अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर ना लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, काम चोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।